लुक्स, पहनावा, सुंदरता, बहुत ही टेम्परेरी होती हैं ये सारी चीजें, 20 से 30 साल। उसके बाद क्या, आपकी वैल्यूज, आपकी एथिक्स, आपका कैरेक्टर आपको डिफाइन करता है। बहुत लोग लुक सुंदरता को देख के कैरिड अवे हो जाते हैं और उन लोगों का साथ छोड़ देते हैं जो कि जिनका पहनावा बहुत अच्छा नहीं होता है, जो दिखने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, आपका डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, सक्सेस, वैल्यूज ही आपके जीवन भर आपके साथ रहती हैं और सिंसियरिटी से आप सिचुएशन को संभालते हैं, लुक्स, पहनावे, दिखावे से नहीं। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं वो बहुत देखने में अच्छे नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत जबरदस्त था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंसान की जिनके लुक्स का बड़ा मजाक उड़ाया गया। जब वो जाते थे, मतलब जब जाते थे तो बहुत लोग कहते थे अरे ये देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। सिनेमा में जब एडवर्टीजमेंट आता था और इनकी फोटो दिखाई जाती थी तो लोग हंसते थे, इनकी कैबिनेट में लोग इनका मजाक उड़ाते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये करते थे, इन्होंने एक टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही छोड़ दी क्योंकि प्रेस रिपोर्टर्स इनको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे बहुत ही छोटे लेवल पे हों। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए इस इंसान ने पूरी दुनिया को झुका दिया और वो कर दिखाया जो भारत का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी लीडर आज तक नहीं कर पाया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी हैव एवर हैड, लाल बहादुर शास्त्री। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री से सबसे पहले तो ये कैसे इंसान है, जिस इतिहास के कैसे इंसान है जिससे ना सिर्फ लीडर्स बल्कि हर एक इंसान सबसे ज्यादा सीख सकता है, लेसन्स दे के गए हैं। और ऐसे लेसन्स है वैल्यूज के लिए, एथिक्स के लिए, कैरेक्टर के लिए, कि ये एक संजीवनी बूटी का काम कर सकते हैं किसी भी इंसान को बनने के लिए। बहुत महान इंसान है, इनकी फिलॉसफी जानेंगे तो उनकी जो बुक है लेसन्स इन लीडरशिप, इनकी एक तरह से इंसिडेंट का एक कंपाइलेशन है। पवन चौधरी जो कि बहुत ही जाने माने राइटर है और अनिल शास्त्री जो कि इनके सुपुत्र हैं, उन दोनों के द्वारा एक इंसिडेंट का इनका कंपाइलेशन है, उसको आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। दो पार्ट में लेक्चर आएगा, ये पार्ट वन है। अब आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, set_education_connect। वहां पे अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कुछ भी, कोई भी अगर आपको किसी और इंसान पर लेक्चर चाहिए तो आप वहां बिल्कुल फ्री हैं कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए, तो पेज बिल्कुल विजिट करिए। देखिए, ये सब सारे कंटेंट्स हैं। देखिए, इस पार्ट में हम जानेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री एक्चुअली लाल बहादुर शास्त्री बने कैसे, उनके कैरेक्टर, उनकी वैल्यूज के बारे में जानेंगे। और अगले लेक्चर में हम पूरी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखेंगे जो थी, जो उस समय सिचुएशन थी कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए नेहरू जी की डेथ के बाद, किसको नहीं बनाया जाए, वो अच्छे से हम बहुत अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और इंडिया पाकिस्तान का वॉर, जब गजब की इन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया जो किसी के बस में नहीं है, आज तो बिल्कुल ही नहीं है, और कोई भी ऐसा लीडर कर नहीं पाया, वो सारी चीजें देखेंगे। फैक्ट्स हैं, आप नोट कर लीजिए, 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था, मुगल सराय जो यूपी में है, और शारदा प्रसाद श्रीवास्तव का इनका जन्म हुआ था। ये सारे फैक्ट्स हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हर चीज रहती है, अप्लाइड नॉलेज, आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, कब कहां यूज हो जाए और कब क्या पूछ लिया जाए आपको नहीं पता, तो या तो नोट कर लीजिए, और बहुत अच्छी मेमोरी है, बादाम खाते हैं तो याद कर लीजिए। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। बचपन बहुत अच्छा होता है सबका, सबसे बहुत ही दर्दनाक बचपन रहा है, दर्दनाक तो नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत ही स्ट्रगलिंग बचपन रहा है लाल बहादुर शास्त्री का। पहले इनके जो फादर थे शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, वो क्लर्क थे, टीचर थे, फिर क्लर्क बने, लेकिन उनका बहुत जल्दी देहांत हो जाता है 2 साल की उम्र में, महज 2 साल, 1 साल के होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जब उनका देहांत हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इनके अंकल इनके परिवार की पूरी देखभाल करते हैं, लेकिन यही चीजें तो इंसान को बनाती हैं, इंसान के खराब एक्सपीरियंस ही तो इंसान को बनाते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस थोड़ी ना बनाते हैं, इंसान अपने खराब एक्सपीरियंस से ही सीखता है और उसी से उसके महान बनने की शुरुआत हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री, इस बुक में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट का जिक्र है जो हम बिल्कुल इस पे देखेंगे। क्या होता है, एक बार बचपन में लाल बहादुर शास्त्री, हर एक लेसन लेते जाएंगे हम उनके हर एक इंसिडेंट से, एक बार गार्डनर होता है तो लाल बहादुर शास्त्री बाग में जाते हैं, फूल तोड़ लेते हैं,
तो वहां का जो माली है, गार्डनर है, वो आता है, कहता है अरे क्या कर रहे हो, फूल क्यों तोड़ रहे हो, चिल्लाता है उनके ऊपर। लाल बहादुर शास्त्री रोने लगते हैं, 8 साल के होते हैं। तब वो गार्डनर को बुरा लगता है और लाल बहादुर शास्त्री को समझाते हैं कि देखो बेटा, बिना पूछे किसी किसी की चीज मत लिया करो, तुम उसे पूछ लेते एक बार। ये बात का उनको एहसास होता है और ये जो बात है उनके जीवन भर चलती है उनके साथ, और ये बात वो जीवन भर अप्लाई करते हैं कि बिना पूछे कभी भी किसी की भी चीज वो नहीं लेते थे। और इसी ने उन्होंने बोरो ही करना छोड़ दिया, वो कभी भी पैसे को बोरो नहीं करते थे। इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत है लेकिन एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनको नदी पार करनी होती थी, गंगा को पार करना होता था, है ना। अब उनका स्कूल गंगा पार, उस समय ब्रिजेस तो थे नहीं, नाव से जाना पड़ता था। ये बहुत फेमस भी स्टोरी है वैसे, नाव से जाना पड़ता था। बोटमैन जो था वो बोलता था बेटा मेरी नाव पे बैठ जाओ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बोलते थे नहीं, मैं एहसान आपका नहीं लूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आपसे या कुछ किसी से शिकायत है, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरे उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि आपका मैं पैसा मार रहा हूं। उस एक इंसान की जगह घेर के मैं आपके पैसा मार रहा हूं, और वो पूरी की अपने यूनिफॉर्म को सर पे लाद के पूरी की पूरी नदी पार करते थे वो। ये डिटर्मिनेशन थी। एक बार मेले में उनकी माँ पैसे बोरो करती हैं, वो उस पैसे से मेला देखने नहीं जाते। गरीब होते हैं, पैसा नहीं होता है, स्ट्रगल करते हैं वो लाइफ में। उस मेले से वो कहता है कि नहीं, जब तक हम लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जब तक हम लोग नहीं कमाएंगे, तब तक हम किसी के भी पैसे बोरो किए हुए पैसों से मेला देखने नहीं जाएंगे। एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, उनके जो टीचर थे निर्मल केशवर प्रसाद मिश्रा, तो वो स्कूल में उनके हेडमास्टर होते हैं, तो वो इंग्लिश पढ़ाते हैं बेसिकली। तो उनको एक क्या कहते हैं कि असाइनमेंट देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, सबको देते हैं बेसिकली क्लास में। अब भैया लाल बहादुर शास्त्री के पास बुक खरीदने तक के पैसे नहीं होते, तो उनका जो दोस्त होता है उनसे वो बुक उधार लेते हैं। रात भर मेहनत करते हैं, टेस्ट होता है अगले दिन, रात भर मेहनत करते हैं, पूरी बुक को कॉपी में उतारते हैं, रात पूरी रात भर पढ़ाई करते हैं, अगले दिन क्लास में अव्वल आते हैं, बहुत खुश होते हैं टीचर। लेकिन उसके बाद उस इंसिडेंस में उनके ऊपर गुस्साते भी बहुत हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक अपने साथ नहीं लाए होते हैं शास्त्री जी। तब वो बोलते हैं कि बेटा ये तो बहुत इनडिसिप्लिन हो ना तुम, ठीक है तुम अव्वल आए लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, तुमको अपनी किताबें भी, अपना सामान भी तो साथ लेने चाहिए था। चिल्लाते हैं, थोड़ी बहुत मार भी पड़ती है, बहुत रोते हैं शास्त्री, मतलब शास्त्री जी को दुख होता है। तब उनके दोस्त जो होता है जिनसे बोरो की होती है, वो जाके टीचर को समझाते हैं कि सर वो इतने गरीब हैं कि बुक तक अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने मेरी बुक उधार लेके ये सारा काम किया था। दिल जो है एकदम नरम पड़ जाता है टीचर का, और उसके बाद वो पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो खुद कराते हैं शास्त्री जी को, और पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। एक पिता पुत्र का रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये सब चीजों से हमको एक चीज मालूम पड़ती है कि लाल बहादुर शास्त्री कभी अपनी वैल्यू से समझौता, अपने उसूलों से समझौता नहीं करते थे। लाल बहादुर शास्त्री वर्मा बेसिकली उनका जो सरनेम होता है वो हटा देते हैं, कायस्थ लोग, कायस्थ होते हैं बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री, तो वो हटा देते हैं और सिर्फ लाल बहादुर अपना नाम रखते हैं, क्योंकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। 1925 में जब वो ग्रेजुएट होते हैं विद्यापीठ से, तब उनको शास्त्री जी का टाइटल मिलता है, क्योंकि शास्त्री जी मतलब होता है स्कॉलर, जिसको हर एक चीज की नॉलेज हो, और लाल बहादुर शास्त्री इतना पढ़ लिए होते हैं अब कि उनको बहुत नॉलेज हो जाती है। और बहुत ये सब चीजों से मालूम पड़ता है कि उनका लेवल क्या था, वो किस लेवल के इंसान थे। वो बचपन से ही उनका बहुत ही गजब एक फर्म डिटर्मिनेशन था कि मुझे जो अगर ये चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आगे लेसन्स ऑफ वैल्यूज हम देखेंगे इसमें। हम देखिए इनकी जो वाइफ है ललिता शास्त्री, इनसे इनकी ललिता शास्त्री से इनका विवाह हुआ था। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जितने महान लोगों की जो वाइफ देखेंगे ना, वो भी उतनी ही महान होती है। कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बिल्कुल सत्य वचन। ललिता शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री से बिल्कुल कम नहीं थी, वो बिल्कुल सपोर्ट करती थी, वो एक रोटी कम खा लेंगी, वो भूखी रह जाएंगी, लेकिन अपने पति के खिलाफ नहीं जाती थी, क्योंकि उनके पति बिल्कुल सही के खिलाफ, ऐसे भी कौन जाएगा, सही के खिलाफ थोड़ी ना कोई जाता है, जो जाते हैं उनको उनका फल मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ललिता शास्त्री, एक बार क्या होता है कि लाला लाजपत राय, देखिए इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हालांकि अगली पार्ट में, लेकिन
लाल बहादुर शास्त्री बहुत बढ़ चढ़ के मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं, गांधी जी के बहुत क्लोज आते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बहुत क्लोज आते हैं, जेल में भी जाना पड़ता है, लेकिन वहां से भी वो क्या कहते हैं कि एक फैमिली मैन होते हैं। टाइफॉइड भी एक बार हो जाता है उनकी, मतलब उनके फैमिली में, तब भी वो बहुत वहां से खोज खबर लेते रहते कि सब ठीक है कि नहीं, पैसे पहुंच रहे हैं कि नहीं, मतलब बच्चे ठीक है कि नहीं, सारी चीजें वो खोज खबर लेते रहते हैं। और अगर परिवार में कोई टेंशन भी होती है तब भी ललिता शास्त्री उनको जाहिर नहीं होने देती हैं। तो एक ऐसा ही इंसिडेंट है, एक बार क्या होता है कि लाला लाजपत राय सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी का गठन करते हैं, तो इसके लीडर होते हैं, वन ऑफ द लीडर्स होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो उससे, उस सोसाइटी से, उस ग्रुप से लाल बहादुर शास्त्री को पैसे आते हैं, 50 रुपए कुछ मिलते हैं। तो वो अपनी वाइफ जो होती है ललिता शास्त्री होती है, उनसे पूछते हैं कि क्या जो पैसे मैं भेज रहा हूँ तुमको ठीक पड़ रहे हैं, कम तो नहीं पड़ रहे हैं? ललिता शास्त्री जवाब देती हैं कि अरे जो तुम पैसे भेज रहे हो बल्कि वो ज्यादा पड़ रहे हैं, हमारा तो 40 रुपए में ही गुजारा हो जाता है, वो 10 रुपए में बचा लेती हूँ। तब लाल बहादुर शास्त्री क्या कहते हैं, आज से मुझे 40 ही रुपये भेजो तुम लोग। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के हेड से कहते हैं कि आप 40 ही रुपये भेजिए, 10 रुपये जो है वो उनको दीजिए जो सर्वेंट है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे ये पता चलता है कि कितने डाउन टू अर्थ थे और कितना वो लोगों के लिए सोचते थे। लाल बहादुर शास्त्री का जो दिल था ना, वो पीजेंट्स, लेबर क्लास, सर्वेंट्स के लिए धड़कता था। और यहां तक कि एक बार उनके जो सपुत्र हैं अनिल शास्त्री, उन्होंने एक सर्वेंट की, एक नौकर की बेइज्जती कर दी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने स्पेशली अपने पुत्र को बुलाया और माफी मंगवाई कि माफी मांगो, तुमने गलत किया है। आजकल छोटी छोटी बातों पर रेजिग्नेशन मांग लिया जाता है कि कुछ भी हो जाए, सबको पता है कोई भी अपनी पोस्ट से, मिनिस्ट्री से, विधायक जो भी होते हैं उसे रिजाइन नहीं करने वाला, लेकिन जबरदस्ती कुछ भी होता है, कुत्ता तक काट ले किसी को, भैया रेजिग्नेशन दो। पहले के नेता क्या होते थे, लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने रेलवे मिनिस्टर, जो रेलवे मिनिस्टर का जो उनका डेजिग्नेशन होता है उसे वो रिजाइन कर देते हैं। क्योंकि जब फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म होती है नेहरू जी की, तो उसमें एज अ रेलवे मिनिस्टर इनको असाइन किया जाता है, रेल हादसा होता है, एज अ रेलवे मिनिस्टर से वो रिजाइन कर देते हैं कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये मेरी, हर तरह के वीवीआईपी ट्रीटमेंट को बिल्कुल वो नकार देते हैं। और नेहरू जी की यहाँ पे मैं बात करूंगा, देखो एक तो नेहरू जी क्या थे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त थी, लंबे चौड़े सुंदर, और वो उन्होंने ऐसा भी, देखिए बहुत पता नहीं, काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन मुझे लगता है आप उनके बारे में पढ़िए, बिना पढ़े किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, है ना, ठीक है, आप बिल्कुल पढ़िए और उसके बाद अपनी राय रखिए। तो जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का जो रिलेशनशिप था बहुत ही गजब था, मतलब एक मजाक काफी करते थे नेहरू जी लाल बहादुर, क्योंकि थोड़े छोटे कद के थे, तो जवाहरलाल नेहरू है लंबे चौड़े, तो थोड़े से वो मजाक करते। तो एक बार ऐसे एक इंसिडेंट होता है पार्टी में, क्या होता है, एक बार पार्टी हो रही होती है उनके कैबिनेट की, उनके उनके जो कांग्रेस लीडर्स की पार्टी हो रही होती है, तो लाल बहादुर शास्त्री वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जब पार्टी खत्म होती है तो क्या होता है, चुपके से डिनर टेबल पे चुपके से जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, 2 समोसा उठाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री की जेब में रख देते हैं। अब उसके बाद वो सार्केस्टिकली कहते हैं, टॉन्ट मारते हुए कहते हैं सबको, जवाहरलाल नेहरू, कि देखो देखो भैया शास्त्री जी का पेट नहीं भरा, 2 समोसा ले जा रहे हैं। तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी खासियत उनका ह्यूमर, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो बोलते हैं अरे हम और नेहरू जी एक ही कार में जाएंगे और पार्टी तो अभी शुरू हुई है, समोसा पार्टी कार में करेंगे, यहाँ तो खाली डिनर है। तो सब बहुत हंसते हैं। और उसके बाद वो एक चीज और ऐड करता है कि अगर हम दोनों ने समोसा नहीं खाया तो जो ड्राइवर है वो खा लेगा। तो नेहरू जी बहुत ही खुश होते हैं इस जवाब से। बहुत ही विटी नेचर था, बहुत ही ह्यूमरस नेचर था, अपने 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 प्रेजेंस ऑफ माइंड से लाल बहादुर शास्त्री सबको हरा देते थे। एक बार क्या होता है कि एक रिपोर्टर उनसे पूछता है, जब ताशकंद एग्रीमेंट होता है और जो इंडो पाकिस्तान वॉर होती है, तो रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि अयूब खान जो उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होते हैं, बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बहुत लंबे चौड़े, शास्त्री जी बहुत छोटे कद के, तो उनसे पूछते हैं कि वो इतने लंबे चौड़े, अब मजाक तो भाई उड़ना ही है, शास्त्री जी का छोटे कद के हैं, मैंने आपको पहले बताया, आप इतने छोटे कैसे हैंडल करते हो भैया? तब शास्त्री जी जवाब देते हैं कि मैं सर उठा के बात करता हूं और अयूब सर नीचे झुका के बात करते हैं, मेरा कद ऊंचा है इसलिए उनसे। सब शांत हो जाते हैं, ऐसे ही नेचर था।
तो एक बार और, चलिए ताशकंद अगर एग्रीमेंट की बात चलिए, तो एक बार और मैं एक और इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ कि जो रशिया के प्रेसिडेंट होते हैं उस समय, कौन थे रशिया के प्रेसिडेंट ताशकंद एग्रीमेंट के समय, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो उनको कोट गिफ्ट करते हैं और वो बहुत ही मखमली सा कोट होता है, बहुत ही मखमली सा होता है। और ठंड बहुत होती है रशिया में, आपको पता ही है नॉर्थ पोल के करीब है तो ठंड तो होनी है, तो काफी ठंड होती है। तो क्या होता है कि कोट उनको गिफ्ट करते हैं और शाम को जब पार्टी होती है तो वो चाहते हैं कि वो कोट पहन के आए, लेकिन भैया हमारे लाल बहादुर शास्त्री धोती कुर्ता स्टाइल सिंपल इंसान, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले इंसान होते हैं, वो भैया पार्टी में जाते हैं वो कोट नहीं पहनते हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आपने कोट क्यों नहीं पहना? तब वो बोलते हैं देखिए मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे पास तो लग्जरी है। वहां जो एक इंसान था जो ड्राइवर है, उसके पास उस इंसान को इस कोट की ज्यादा जरूरत है, वो ये सारी चीजें हो सकता है अफोर्ड ना कर सके। बहुत इंप्रेस हो जाते हैं रशिया के प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ये सब जो लेसन्स हैं ये आप बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें इंसान को बनाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें थी, अपने वैल्यू से कभी समझौता नहीं करते। सबसे बड़ी बात जो भैया आज के जमाने में तो बिल्कुल खो गई है, कोई पंचुअल ही नहीं है। आप बुलाएंगे किसी को 10 बजे, वो आता है 11:30 बजे, ये बड़ी गलत बात है ना। पंचुअलिटी का लेसन उनसे बहुत ज्यादा, या तो आप बता दो अगर आपका कोई प्लान डिले हो रहा है, आप बता सकते हैं कि हाँ देखो मैं इस टाइम नहीं आ पाऊंगा, या कोई प्रोजेक्ट भेजना है तो अगले बार भेजूंगा या इस टाइम भेजूंगा, थोड़ी कुछ रीजंस की वजह से डिले होता है ना। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री क्या करते हैं कि एक बार उनको जाना होता है दिल्ली, मतलब बाहर जाना होता है दिल्ली से कहीं, तो उनके वो अपने बेटे से भी बोलते हैं अनिल शास्त्री कि ऐसा है चलो तुम भी चलो मेरे साथ। बहुत खुश होते हैं अनिल शास्त्री, 8th क्लास में पढ़ते हैं उस समय, बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह मैं बाहर जाऊंगा बाहर जाऊंगा। 8:30 बजे की फ्लाइट होती है, मतलब 8:30 बजे उनको निकलना होता है लाल बहादुर शास्त्री को, 8:30 बजे एग्जैक्ट बोल देते हैं एक दिन पहले अनिल शास्त्री से कि मैं इतने बजे निकलूंगा। अनिल शास्त्री पहुंच नहीं पाते हैं 8:30 बजे तक, 8:35 पे लाल बहादुर शास्त्री निकल जाते हैं। तो उनकी जो वाइफ है ललिता शास्त्री, वो उन पे बहुत गुस्सा आती है लाल बहादुर शास्त्री से कि 5 मिनट खाली लेट हुआ और आप इसको छोड़ के चले गए। तब वो लाल बहादुर शास्त्री समझाते हैं देखो ये एक लेसन है इसके लिए, आगे से ये टाइम को हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, इस 5 मिनट को भी हमेशा रिस्पेक्ट देगा, जो टाइम है वो टाइम है। और टाइम के बहुत ही ज्यादा पाबंद थे, बहुत ज्यादा पाबंद थे लाल बहादुर शास्त्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री ने किसी भी तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लिया अपने जीवन में कभी भी। यहां तक कि जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी तो उनके पास एक पैसा नहीं था, रहने तक को घर नहीं था। तब इंदिरा गांधी ने, क्योंकि नेहरू जी से टर्म इनके इतने अच्छे थे और इंदिरा गांधी से भी बहुत अच्छे थे, तब इंदिरा गांधी ने इनको सपोर्ट किया था और इनकी पूरी फैमिली को संभाला था। इनके पास कार तक नहीं थी, इनके बच्चे जो थे वो जो तांगा नहीं होता है उससे जाते थे, और इनके बच्चे एक बार बहुत जिद करते कि पापा हम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं प्लीज एक कार तो ले लीजिए एक कार तो ले लीजिए, क्योंकि इनके ऑफिस, इनको इनके ऑफिस की कार मिली थी। और उसूलों के बहुत पक्के लाल बहादुर शास्त्री, तो बोलते थे वो, उन्होंने बोला कि चलो हम ले लेते हैं, लोन पे वो कार ली थी फिएट, लोन पे उन्होंने लोन लिया था बैंक से, कार ली थी 12,000 का। और यहां तक कि जब उनकी डेथ होती है तो वो लोन पूरा चुक नहीं पाता है, इनकी फैमिली के पास पैसे ही नहीं होते। तब इंदिरा गांधी रेस्क्यू में, रेस्क्यू के लिए आती है, इंदिरा गांधी पूरा लोन माफ कर देती है उस समय, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट लेती है वो पूरा लोन माफ कर देती है, कहती है नहीं कोई बात नहीं, और पूरी की पूरी फैमिली को एक रहने का घर देती है और सपोर्ट करती है इंदिरा गांधी उस समय। उन्हें ये लीडर्स, लीडर ऑफ द लीडर्स थे लाल बहादुर शास्त्री। वीआईपी ट्रीटमेंट को आप, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक विधायक निकलता है तो पूरी की पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है ना, ऐसे बिहेव करते हैं कि पता नहीं कहाँ के राजा हो। एक बार उनको कैलकटा के लिए निकलना होता है और रश बहुत होता है, मतलब दिल्ली के लिए निकलना होता है कैलकटा से और रश बहुत होता है रोड पे, तो कमिश्नर कहता है कि आप परेशान होते हैं मैं रोड ब्लॉक करवा दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री सरे से नकार देते हैं इस बात को, बोलते हैं कि मेरी वजह से पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं भगवान नहीं हूं चला जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज मत करो जिससे पब्लिक परेशान हो। और पब्लिक से याद आया, लाल बहादुर शास्त्री हर एक इंसान के लिए एक्सेसिबल थे और ईमानदारों के लिए तो खास तौर पे, ईमानदारों के लिए तो खास तौर पे एक्सेसिबल थे, और हर कोई इंसान इनसे आके मिल सकता था, कोई भी चीज उनसे डिस्कस कर सकता था। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही ह्यूमिल, बहुत ही
डाउन टू अर्थ, बहुत ही अच्छे इंसान थे लाल बहादुर शास्त्री। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, देखो ये तो शायद एक, मुझे लगता है कि इन्हीं को ही देख के ये कोट सबसे ज्यादा फिट बैठती है। धोती कुर्ता पहनते थे, बहुत ही हिंदी भाषी इंसान थे, वेजिटेरियन थे, प्योर वेजिटेरियन थे, नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाते थे। और इन सब के बावजूद, ये तब तो सिंपल लिविंग है, इसीलिए लोग, वही तो बता रहे ना कि आजकल यही तो पहनावा, सुंदरता, कैसे आप बोल रहे हैं, अंग्रेजी अच्छी आ रही है तो आप बहुत महान है। अरे ये सब क्या है यार, ज्ञान की इज्जत होनी चाहिए ना। आप किसी को ऐसे जज थोड़ी ना कर सकते हो। आईएएस जो बनते हैं, यूपीएससी बनते हैं, वो बहुत ही सिंपल होते हैं। आप देख लीजिए, मैक्सिमम बहुत ही सिंपल होते हैं, पढ़ाई में रहते हैं, लेकिन वो महान बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। महान तो नहीं, मतलब आईएएस बन जाते हैं, इतना इतनी मेहनत करके। या कोई भी कंपटीशन आप ले लीजिए, जो भी, मैक्सिमम लोग आप देखेंगे बहुत सिंपल होंगे। दिखावा वही करता है जिसको ज्यादा इतना वो नहीं होता है, इतनी समझ नहीं होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री का बहुत मजाक उड़ाया जाता था, मतलब मजाक इन द सेंस कि मतलब इनको बहुत ही सीरियसली कभी कभी नहीं लेते थे लोग, है ना। और ये थोड़ा सा बुरा भी लगता था लाल बहादुर शास्त्री को, लेकिन इनकी कैबिनेट जो थी, नेहरू जी इनको बड़ा सीरियसली लेते थे। इनकी डिप्लोमेसी स्किल इतनी गजब थी, इतना इतने गजब के नेगोशिएटर थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, तो लाल बहादुर शास्त्री को ही बुलाते थे नेहरू जी, कि भैया जाके उसको सॉल्व करो, तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है, जाके उसको समझाओ, यूपी में ऐसी क्राइसिस है, उसको समझाओ, डेडलॉक क्रिएट हो गया है, उसको हटाओ, ये सिर्फ तुम कर सकते हो। और इसीलिए इनको हर टास्क के लिए इनकी पार्टी जो है वो सबसे पहले बुलाती थी कि आप आइए, और यहां पे किसी में हिम्मत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में तो इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस ही खोल दी। शुरू में पाकिस्तान ने, ये हम अगले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से करेंगे, पाकिस्तान में कुछ एरियाज ऑक्यूपाई कर लिए थे और उस समय इनकी बड़ी किरकिरी हुई थी, हम एक वॉर पहले ही हार चुके थे। लेकिन जब इंटरनेशनल बॉर्डर, जब उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाई कर लिया और मिलिट्री वाले ने बोला है कि अगर हम कुछ नहीं करते तो जम्मू एंड कश्मीर हम खो देंगे, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर खुलवा दी कि ये इधर, ये जम्मू एंड कश्मीर कब्जा कर लेना, तुम जाके पाकिस्तान पे कब्जा करो, ऐसा हो गया था। तो ये सारी चीजें थी, बहुत ही गजब के इंसान थे, बहुत ही सिंपल रहते थे, जमीन में बैठ के खाना खाते थे, हर किसी से बात करते थे, हर किसी को अपना समझते थे, हर किसी के लिए केयर करते थे, लेकिन थिंकिंग ऐसी थी कि अपने आप को राजा समझते थे। जब भी चलते थे, उनकी जो वॉक थी, ग्रेट वॉक ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, बहुत बढ़िया थी, ऐसा लगता था कि कोई राजा आ रहा है। लीडर ऑफ द लीडर्स, भयानक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है ना। बहुत लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, मुरारजी देसाई बहुत इंसिस्ट करता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, काफी चीजें होती हैं। लेकिन कामराज, के कामराज कौन थे ये अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, वैसे मैं बता देता हूं, चीफ मिनिस्टर थे और इनको किंग मेकर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता है। वो लाल बहादुर शास्त्री को लेके आए, मतलब लेके क्या है कि उनका बहुत बड़ा रोल था लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। इंदिरा गांधी भी थी, यहां तक कि आपको एक और बात बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ। इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री ने एक टाइम पे क्योंकि इंदिरा गांधी इतना ज्यादा दुखी हो गई थी नेहरू जी की डेथ से कि वो सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, तो एक टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री ने कन्विंस कर लिया था कि आप इंडिया की हाई कमिश्नर हो जाइए ब्रिटेन के लिए। तो अगर ऐसा होता, सोचिए अगर ऐसा होता, तो आज हमारी हिस्ट्री चेंज हो गई होती, क्योंकि इंदिरा गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं होती। तो उस समय ऐसा हुआ नहीं, तो इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मना कर देती है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो होते हैं, जब नेहरू जी की डेथ होती है, तो लाल बहादुर शास्त्री बहुत कन्विंस करते हैं कि आप बनिए, लेकिन वो बनती नहीं है। तब लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। पार्टी के डिसीजन से और भी बहुत सी चीजें, बहुत सी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी भले ही प्राइम मिनिस्टर नहीं बनती है, लेकिन तब भी वो परसुएट करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का पोर्टफोलियो लीजिए। तो इनको तब इंदिरा गांधी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दिया जाता है। और इंदिरा गांधी भी शुरू में लाल बहादुर शास्त्री से सहमत नहीं होती हैं, लेकिन बाद में जब ये सारी चीजें होती हैं, जय जवान जय किसान, तब उनको लगता है कि यार ये तो एक अलग ही लेवल के इंसान हैं, लीडर ऑफ द लीडर्स हैं ये। ये बेस्ट चीज उनको डिस्क्राइब करेगी, अपनी डिप्लोमेटिक स्किल, अपनी वॉर स्किल के लिए जाने जाते थे। और यहाँ तक कि एयर मार्शल अर्जन सिंह ने कहा था, जो कि इंडो पाकिस्तान के उस समय वॉर, मतलब जो हमारे एयरफोर्स के उस समय एयर मार्शल थे, कि इनसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर
देश में नहीं हो सकता। जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं और जो इन्होंने कमाल कर दिखाया है, सल्यूट है। एक बार जब इंडो पाकिस्तान वॉर खत्म हो जाती है, 22 दिन की होती है, तो एक बैठे रहते सोल्जर बेड पे, है ना, तो लाल बहादुर शास्त्री सबसे विजिट करने जाते हैं। एक आंख में गोली लगी होती है, बहुत ही घायल पड़े रहते हैं, तो बोलते हैं, जवान लाल बहादुर शास्त्री क्या हाल है। तब वो बहुत उनको दुख होता है, जो बेड पे होते हैं सोल्जर, तो कहते हैं कि अरे क्या हुआ। कहता है कि सर मैं आपको उठ के सल्यूट नहीं कर सकता, बस इस बात का दुख है। ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। अगले पार्ट में हम देखेंगे जो मैंने अभी आपको जिक्र किया लास्ट स्लाइड में, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अपराइजिंग, और किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स में आए। थोड़ी सी हिस्ट्री और जानेंगे और इंडो पाकिस्तान वॉर पे देखेंगे हम, अच्छी नजर बनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।